Hey guys, this is Elnaki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize a tragic play, Fancies by an American playwright August Wilson. August Wilson is famous for his collection of plays named Pittsburgh Cycle. Its uh, his collection contains 10 plays hai, and Fences is one of these plays. Fancies is the sixth play in this collection, Pittsburgh Cycle the play was written in 1983 and first performed on stage in 1987 the play is set in 1957 in the backyard of a house in pittsburgh a wale garden mein. so let's summarize the drama fancies फेंसिस मीन्स बाढ़ बैरियर या रुकावट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू सम मेजर क्रैक्टर्स ऑफ द प्ले ट्रोए मैक्सन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले ही इज अ वर्किंग क्लास अफ्रीकन मैन लिव्स विद वाइफ रोज एंड सन कोरे ट्रोए अपनी बीवी रोज और अपने बेटे कोरे के साथ पीट्सबर्ग में हिल डिस्ट्रिक्ट में रहता है वो सफाई के महकमे में, में कूड़ा उठाने का काम करता है माजी में वो बेसबॉल का अच्छा प्लेयर रह चुका है वो नेग्रो लीग्स में खेलता रहा मगर एट ज्यादा हो जाने की वजह से मेजर लीग्स में ना खेल सका ही इज ऑलमोस्ट अबाउट फिफ्टी थ्री वो अपने खानदान की तमाम तरह जिम्मेदारियां उठाए हुए है और फकत इतना चाहता है कि उसके बेटों की जिंदगी उससे बेहतर बने रोज मैक्सन इज द सेकेंड वाइफ ऑफ ट्रॉय ट्रॉय कुछ अरसा जेल में कैद रहा और आजाद होने के बाद उसने रोज से दूसरी शादी की थी रोज और ट्रॉय एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं मगर ट्रॉय चाहता है कि रोज उसका एहतराम किया करे क्योंकि सारे घर को वो चला रहा है रोज एक चर्च में काम करती है कोरे मैक्सन इज द सन ऑफ ट्रॉय एंड रोज कोरे की अपने बाप ट्रॉय के साथ रिलेशनशिप ज्यादा अच्छी नहीं है कोरे को ऐसा लगता है कि उसका बाप उसे फुटबॉल टीम में हिस्सा लेने से रोक कर फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ने दे रहा जबकि ट्रॉय चाहता है कि उसका बेटा कोरे कोई रिस्पॉन्सिबल जॉब स्टार्ट कर ले फाइनली एक रोज ट्रॉय और कोरे को में झगड़ा होता है और ट्रॉय कोरे को घर से निकाल देता है और फिर प्ले के आखिर में हम देखते हैं कि कोरे वापस घर आ जाता है लियोन्स मैक्सन इज द सन ऑफ ट्रॉय फ्रॉम फर्स्ट वाइफ ट्रॉय की पहली बीवी से उसका बड़ा बेटा लियोन्स वो एक म्यूजिशियन के तौर पर काम करता है और बमुश्किल गुजारे लायक रकम कमाता है वो अक्सर फ्राइडे को ट्रॉय से मिलने आता है ये वो दिन है जब ट्रॉय को तनखा मिलती है ट्रॉय को लगता है कि उसका बेटा सही मानी में मेहनत कर रहा है जैसे ट्रॉय चाहता है और एक दिन लियोन्स कामयाब हो जाएगा गैब्रियल मैक्सन इज द ब्रदर ऑफ ट्रॉय वर्ल्ड वार सेकेंड में जंग के दौरान उसके सर पर गहरी चोट आई जिसके बाद उसे फौज से वापस घर भेज दिया गया इस चोट के बायस वो मेंटली तौर पर ठीक नहीं रहता वो कहता है कि वो एक एंजल है यानी फरिश्ता है जो सेंट पीटर का इंतजार कर रहा है कि वो सब लोगों को निजात के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देंगे गैब्रियल की जहनी मजूरी के बाइस फौज उसके इलाज के लिए एक चेक भेजती है जिसे उसका भाई ट्रोए घर खरीदने के लिए खर्च कर देता है जिम बोनो इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ ट्रोए ट्रोए और जिम मिलकर शराब पीते हैं जिन दिनों ट्रोए जेल में रहा वहां उसकी मुलाकात जिम से होती है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए मैक्सन, डॉटर, अल्बर्टा नामी एक लड़की से मोहब्बत करने लगता है और इस लड़की से ट्रॉय की एक बेटी रेनल जन्म लेती है अल्बर्टा बच्ची को जन्म देते वक्त मर जाती है रेनल की परवरिश उसकी स्टेप मदर यानी रोज करती है द प्ले बिगिंस इन 1957. ट्रॉय और उसका दोस्त जिम इकट्ठे बैठे हैं ये फ्राइडे नाइट है और ये दोनों विस्की पीते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं ट्रॉय की बीवी रोज उसे बताती है कि उनके बेटे कोरे को कॉलेज फुटबॉल टीम में खेलने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है ट्रॉय को यह बात पसंद नहीं आती उसे स्पोर्ट्स में अपने बेटे का बेहतर मुस्तबिल दिखाई नहीं देता क्योंकि वो भी अपने दौर में बेसबॉल का एक अच्छा प्लेयर रह चुका है मगर इस चीज ने उसे खासा फायदा नहीं दिया ट्रॉय का बड़ा बेटा लियोन्स अपने बाप से पैसे मांगने के लिए रुक जाता है लियोन्स एक म्यूजिशियन है और ट्रॉय समझता है कि लियोन्स मेहनत से अपना रास्ता बना रहा है नेक्स्ट डे ट्रॉय और रोज अपने बेटे कोरे की सुस्ती को लेकर बहस करते हैं रोज बताती है कि कॉरे फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए गया हुआ है इतने में गैब्रियल दाखिल होता है जो कि सर पर लगी चोट की वजह से बहकी बहकी बातें करता रहता है वो अपने गले में एक ट्रमपिट यानी बगल जब बाजा उठाए हुए है जिसे फूंक कर वो आसमान के दरवाजे खोल देगा वो खुद को फरिश्ता तस्वूर करता है हाल ही में वो ट्रोए के घर से निकल कर अपने अलहदा अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है और इस पर बहुत खुश है ट्रोए ने अपने भाई के इलाज के लिए मिलने वाली रकम से अपना घर खरीदा है चंद घंटों बाद कोरे फुटबॉल प्रैक्टिस से वापिस आता है रोज उसे बताती है कि तुम्हारा बाप सहन में एक बाढ़ यानी फेंस लगाना चाहता है और तुमने काम करने में उसकी मदद नहीं की इस पर वो गुस्सा है ट्रोए कोरे से बात करता है और उसे कहता है कि वो फुटबॉल टीम छोड़ दे और ग्रोसरी स्टोर पर वापस जॉब कर ले इसके बाद कोरे अंदर चला जाता है टू वीक्स लेटर ट्रॉय और जिम घर आते हैं जिम बताता है कि ट्रॉय अब कूड़ा उठाने वाले काम से तरक्की करके कुड़े के ट्रक का ड्राइवर बन गया है ट्रॉय बताता है कि किस तरह उसका बाप उसे मारता पीटता था और सिर्फ चौदह साल की उम्र में ट्रॉय को घर से निकाल दिया हिज फादर बट आल्सो रिस्पेक्ट्स हिम क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल शख्स था घर से निकाले जाने के बाद जब ट्रॉय पिट्सबर्ग आया तो उसने एक शख्स को लूटते वक्त उसे कत्ल कर दिया और यूं ये पंद्रह साल तक जेल में रहा दिस वॉज द टाइम जब सिर्फ ट्रॉय का बड़ा बेटा लियोन्स पैदा हुआ था नाओ थोड़ी देर में कोरे घर आता है और वो परेशान है वो अपनी मां को बताता है कि उसके बाप ट्रॉय के कहने पर कोच ने उसे टीम से निकाल दिया है नेक्स्ट मॉर्निंग कोरे सहन में खड़ा बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है ट्रॉय अपने भाई गैब्रियल की पुलिस स्टेशन से जमानत करवा कर वापिस आया है गैब्रियल ने दबागी तो ठीक ना होने के बाद किसी से बदतमीजी से बात की थी जिस पर पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई थी इसी रोज जिम और ट्रॉय घर के सहन में फैंस यानी बाढ़ लगाने लगते हैं जिम ट्रॉय को समझाता है कि अपनी बीवी रोज के होते हुए अल्बर्टा से नजायज ताल्लुक कायम मत करे जिम के जाने के बाद ट्रॉय ट्रॉय ने अपनी बीवी रोज को सब सच बता दिया कि वो अल्बर्टा एक लड़की से रिलेशन में है है। है और उसका एक बच्चा भी पैदा होने वाला रोज कहती है कि मैं 18 साल तक एक अच्छी बीवी की तरह तुम्हारे साथ रही ट्रॉय कहता है कि मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के अलावा कोई गलत काम नहीं किया ट्रॉए रोज की तरफ बढ़ता है कि इतने में कोरे दाखिल होता है और अपने बाप को दूर से धक्का देता है ट्रोए कोरे से कहता है कि तुम बीच में मत पड़ो लड़के अब खामोशी के साथ महीने गुजर जाते हैं आफ्टर को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि अल्बर्टा बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई ट्रॉय अपनी बेटी रेनल को घर ले आता है और रोज से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसकी परवरिश करे रोज बच्ची की परवरिश पर रजामंद हो जाती है मगर ट्रॉय को माफ नहीं करती आफ्टर टू मंथ्स कोरे ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है और जॉब की तलाश में है ट्रॉय और कोरे की आपस में नहीं बनती और एक दिन दोनों में लड़ाई हो जाती है जिसके बाद ट्रॉय कोरे को घर से बाहर निकाल देता है आफ्टर एट ईयरस इन 1965, जिम बोनो और लियोन्स ट्रॉय के घर में उसकी आखिरी रसूमात के लिए इकट्ठे हुए हैं ट्रॉय की डेथ हो चुकी है कोरे एंटर्स आठ साल बाद कोरे एक मरीन के यूनिफॉर्म में घर में दाखिल होता है वो अपनी छोटी सिस्टर स्टेप सिस्टर रेनल के साथ घर की दहलीज पर बैठ जाता है दोनों मिलकर एक पुराना गाना गाने लगते हैं कोरे बाप के जनाजे में जाने से इनकार कर देता है मगर रोज कहती है कि अब गुस्सा थूक दो और बाप से सुलह कर लो इन द एंड ऑफ द प्ले गैब्रियल सेन में दाखिल होता है जिस पागल खाने में वो एडमिर था उन्होंने उसे भाई के जनाजे पर आने दिया वो अपना ट्रम्पिट बजाना चाहता है मगर कोई आवाज नहीं निकलती इसके बाद वो एक सोगवार अंदाज में नाचना शुरू कर देता है उसका कहना है कि अब ट्रोए के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे गैब्रियल इस प्ले की फाइनल लाइन बोलता है दैट्स द वे दैट गो लाइन एक सिंपल ऐलान है कि तकदीर को जो आदमी चाहिए था वो ले गई और ये लो उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हैं मेन थीम्स डिस्कस्ड इन द स्टोरी आर ब्लैकनेस एंड रेसिज्म क्योंकि यह कहानी एक ब्लैक फैमिली की है और उस वक्त के अफ्रीकन अमेरिकन की लाइफ को शो करती है कि कैसे वो घर चलाने के लिए कोशिशें कर रहे थे और उनके फैमिली रिलेशन कैसे थे मैनहुड एंड फादर्स कि किस तरह ट्रॉय एक बाप होने की हैसियत से अपनी औलाद स्पेशली कोरे पर अपना रोब कायम रखना चाहता है मगर कोरे अब बड़ा हो चुका है और वो अपने बाप के अगेंस्ट स्टैंड ले लेता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड यह कहानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के हालात को जाहिर करती है कि लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे थे इस थीम को वाजे करने के लिए यह भी मेंशन किया गया है कि गैब्रियल कभी इस वर्ल्ड वार सेकेंड में हिस्सा ले चुका है डेथ इज आल्सो यूज्ड एज अ थीम इन द अल्बर्टा की मौत और फिर ट्रॉए का एल्बर्टा की मौत पर डेथ से मुखातिब होना उसे बेरहम कहना और प्ले के आखिर में खुद ट्रॉए की मौत याद रहे कि ट्रॉय अल्बर्टा की मौत पर डेथ को ग्रीम रीपर यानी बेरहम काट डालने वाली कहकर मुखातिब करता है और राइट मिस्टर डेथ सी नाउ आई एम गोना टेल यू वट आई एम गोना डू आई एम गोना टेक एंड बिल्ड मी अ फेंस अराउंड दिस यॉट सी आई एम गोना बिल्ड मी अ फेंस अराउंड व्हाट बिलोंग्स टू मी एंड देन आई वॉन्ट यू टू स्टे ऑन द अदर साइड सी यू स्टे ओवर देयर ंटिल यू आर रेडी फॉर मी देन यू कमऑन ब्रिंग्स यूर आर्मी ब्रिंग यूर सिकल अ फ्यू सिंबल्स यूज इन द प्ले आर बेसबॉल जो कि इनजस्टिस यानी ट्रॉए के साथ हुई ना इंसाफी के सिंबल के तौर पर यूज की गई है डेथ सिम्बल इन द्लेस द टाइटल ऑफ द प्ले इज ऑल्सो सिम्बोलिक रोज अपने फैमिली मेंबर्स ट्रोए और कोरे को एक साथ इकट्ठा रखना चाहती है और सोचती है कि फैंसिस के लग जाने से ये साथ रहेंगे जबकि ट्रोए मौत को अपनी फैमिली से दूर रखने के लिए फैंस बनाना चाहता है इसी हवाले से जिम बोनो कहता है दैट Some people build fences to keep people out, and other build fences to keep people in. So, guys, this was a play, "Fences," by August Wilson. Goodbye, Tata. See you in the next video. Allah hafiz.